हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो अभ्यर्थी 2019 के फिजिकल देने के बाद अपनी रिटेन एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, मैं उस भर्ती की बात कर रहा हूँ जो 2019 के अंदर CISF द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री भर्ती 2019 के बारे में। लगभग दोस्तों 2019 के अंदर इस भर्ती को जारी किया गया था, जिसकी फिजिकल की प्रक्रिया एकदम एग्जैक्ट करेक्ट टाइम पे हुई थी, पर उसके बाद जो इसकी रिटन एग्ज़ाम टेस्ट है, यानी कि दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम डेट को लेकर कैंडिडेट लगभग 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, पर CISF के अधिकारी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। कैंडिडेट्स कम से कम यह जानना चाहते हैं कि आखिर किस वजह के कारण CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं जारी कर रहा है, आखिर क्या समस्या है। यह समस्या जो कैंडिडेट जानना चाहते हैं, फिज़िकल अपने करेक्ट टाइम पर कराने के बाद फिर उसको रिटेन की प्रक्रिया में इतना लंबा समय क्यों लग गया। क्योंकि दोस्तों लगभग 1.5 साल एक भर्ती के लिए कैंडिडेट इंतज़ार करना, वो भी आप सोच सकते हैं, किसी का ये ड्रीम जॉब होगा। कोई CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम को लेकर वो दिन रात मेहनत करते होंगे, वो अपनी ड्रीम जॉब को वो पाना चाहते होंगे, पर कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर इंतज़ार ही इंतज़ार कर रहे हैं, पर उनकी इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो यहाँ पर ख़त्म ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि CISF की तरफ से एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है। आखिर क्या वजह है? 2020 की भर्ती जो CISF ने ट्रेडमैन की भर्ती निकाली, उसकी यहाँ पर पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, और ट्रेडमैन की जो यहाँ पर मेडिकल जो टेस्ट एग्ज़ाम होनी है वो भी यहाँ 25 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या CISF कब जारी करेगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एग्ज़ाम डेट की, कब प्रक्रिया पूरी करेगा? कैंडिडेट RTI लगा रहे हैं, RTI के माध्यम से जानना चाह रहे हैं, पर RTI के माध्यम से भी उन्हें कोई भी एग्ज़ाम डेट को लेकर, रिटन एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, जिसको यह लगे कि अब जो है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एग्ज़ाम डेट इस समय जारी कर सकता है। आखिर किस वजह के कारण वो कैंडिडेट के भविष्य के साथ खेल रहे हैं? क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है इंतज़ार का, और इंतज़ार ही इंतज़ार मिल रही है, कोई भी उन्हें प्रूफ नहीं मिल रहा है, ना कॉल करने पर ना RTI लगाने पर। आखिर क्या चाहता है CISF? क्या वो इस भर्ती को यहाँ पर जो है प्रकाशित कर, इस भर्ती को जारी कर फिज़िकल करा कर, क्या वो इस भर्ती को भूल चुका है, या CISF इस भर्ती को ऐसे ही रखना चाहता है, इस भर्ती को क्लियर नहीं करना चाहता है? कैंडिडेट ने हर एक मुमकिन प्रयास अपनी तरह से कर लिया, इन्होंने ट्विटर कैंपिंग चलाया, बल्कि उस ट्विटर कैंपिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि CISF के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए फॉर्म भरे थे, वो एकता यानी कि यूनिटी में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण जो उनकी जो यहाँ पर टॉपिक है वो ट्रेंड कर सके, जिसके कारण यह अपडेट CISF के अधिकारियों तक जा सके। क्योंकि अब जो घड़ियां आ चुकी हैं वो यहां पर कैंडिडेट इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, अब हमें एग्ज़ाम डेट जारी करके दो CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एग्ज़ाम डेट की। आखिर क्या वजह है? आखिर कब तक जारी होगा? मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है एग्ज़ाम डेट को लेकर? पूरी जो है आज के इस वीडियो में अपडेट देने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी भी निकल कर आए, अगस्त के लास्ट वीक तक क्या खुशखबरी निकल कर आ सकती है या नहीं आ सकती है,
इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी जोन /SZ पर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर क्या है। पर यहाँ पर दोस्तों एक बात तो आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है, क्योंकि CISF ने यह भर्ती जो निकाली थी यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की, वो इसे जानबूझ कर पेंडिंग कर रहा है और कोई वजह नहीं है। क्योंकि 2020 की ट्रेडमैन की भर्ती पूरी प्रक्रिया हो गई, 2021 के अंदर एग्ज़ाम हुई, 2021 के अंदर रिज़ल्ट आई और 2021 के अंदर मेडिकल हुई और 2021 के ही अंदर कैंडिडेट की सिलेक्शन भी हो जाएगी। पर यहाँ पर जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एग्ज़ाम डेट को लेकर जैसे कि वो भर्ती निकाल कर किसी फाइल को किनारे रख कर भूल चुका है, वो इस भर्ती की ऐसी बात हो चुकी है। क्योंकि एक लंबा समय जो होता है वो काफ़ी लंबा समय हो चुका है। पर दोस्तों अब कैंडिडेट के हाथ में है जागरूकता करने के लिए, CISF को ये अवगत कराने के लिए कि अब जो हमारी घड़ियाँ हैं इंतज़ार की ख़त्म हो चुकी हैं, अब उन्हें अपने लिए कुछ ना कुछ फैसला ट्विटर कैंपिंग के माध्यम से, साथ ही दोस्तों नए नए तरीक़ों को लेकर आंदोलन के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर जो भी भर्तियाँ हैं उन भर्तियाँ जो भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं उसके लिए कैंडिडेट को संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी विभाग के अंदर हो, चाहे वो यहाँ पर पुलिस विभाग के अंदर हो, चाहे वो शिक्षक विभाग के अंदर हो, चाहे वो आर्मी विभाग के अंदर हो, किसी भी विभाग के अंदर हो, यहाँ पर कैंडिडेट जो है इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MP पुलिस के लिए कैंडिडेट कितने संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरह CISF के कैंडिडेट भी यहाँ पर अपनी रिटर्न एग्ज़ाम डेट का संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेडमैन की भर्ती है, रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो ट्रेडमैन की भर्ती है ऑलमोस्ट वो यहाँ पर 25 अगस्त के पास पूरी हो जाएगी, तब CISF के पास कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा ना कोई भर्तियों को लेकर, तो सिर्फ उनकी यह भर्ती बचेगी कि CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्ज़ाम डेट को लेकर। तो आखिर दोस्तों क्या CISF एग्ज़ाम कराएगा या नहीं कराएगा? तो दोस्तों 100% यह कन्फर्म न्यूज़ आ रही है कि जो सितंबर के माह में जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, रिटन एग्ज़ाम डेट है, वो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। पर दोस्तों इसको लेकर अभी तक प्रूफ नहीं आ पा रही है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है, लगभग एक लंबा समय का भी लंबा समय हो चुका है। इसको लेकर कैंडिडेट्स प्रूफ जाना चाहते हैं, ऑफिशियल नोटिस जाना चाहते हैं जो CISF के तरफ से जारी किया जाए। तो यहाँ पर हर एक मुमकिन प्रयास किया पर उन प्रयासों का कोई भी हल नहीं निकला। तो यहाँ पर दोस्तों अब हल हमें निकालना पड़ेगा और एक बार हमें फिर से यूनिटी में आकर, लगभग अगर 50 से 60 हज़ार कैंडिडेट भी अगर से 3 से 4 बार ट्वीट करते हैं 22 तारीख को, अगर एक बार फिर से हम ट्विटर कैंपिंग चलाते हैं हैशटैग लगाकर CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एग्ज़ाम डेट जारी करो लगाकर टैग करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों उस टैग का हमें काफ़ी ज़्यादा परिणाम देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों कम से कम जो हमारी ट्रेंडिंग टॉपिक पहले या दूसरे नंबर पे आती है तो इस मुद्दे को उठाया जाएगा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, और मीडिया ये कंफर्म करके देगी कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो क्यों नहीं हो रही है और किस वजह के कारण जो है इस भर्ती को अभी तक रोका गया है। क्योंकि यह टॉपिक ट्विटर पे उठा है, एक साथ कैंडिडेट ने लगभग यहाँ पर 50 से 60 हज़ार कैंडिडेट ने एक साथ ट्वीट किया है, तब जाकर इस भर्ती की परिणामों को लेकर कोई सवाल उठा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मीडिया कवरेज मिलेगा और उस कवरेज के अनुसार आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि मीडिया उनसे सवाल करेगी कि इस भर्ती को क्यों डिले हुआ और वो अपने आर्टिकल में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। ऐसी कोई भी वजह नहीं है थी कि जिस इस एग्ज़ाम को रोका जाए, क्योंकि अभी की परिस्थिति पूरी अनुकूल है। 2021 के अंदर जब ट्रेडमैन की एग्ज़ाम हो सकती है तो CISF हेड कांस्टेबल की एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकती है? तो इस भर्ती को जानकर CISF ने रोका है, इस एग्ज़ाम को वो कराना नहीं चाहती है या इस भर्ती को लेकर उनके पास पोस्ट नहीं खाली है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। बहुत सारी वजहें हैं जिन वजहों का कोई भी यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है
क्योंकि हर के पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, पर किसी के पास भी इस बात के लिए पुष्टि नहीं है कि आखिर एग्ज़ाम डेट क्यों नहीं जारी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों यह सोचना होगा और फिर से हमें ट्विटर कैंपिंग चलाना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम डेट तो दोस्तों आपकी किसी भी हाल में जारी होनी है और 2021 के सितंबर के लास्ट वीक तक ही जारी होगी और लास्ट वीक से ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। यह तो आप 100% मान लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम मेडिकल होने के बाद ट्रेडमैन की CISF के पास और कोई काम रहेगा नहीं रिक्वायरमेंट बोर्ड के पास, तो इस भर्ती पर फोकस किया जाएगा। ऐसे या वैसे आप किसी भी हालत में आपकी सितंबर के लास्ट तक इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट थी और 22 तारीख को एक बार हमें ट्विटर कैंपिंग फिर से चलाना है, क्योंकि ट्विटर कैंपिंग का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी रिटर्न एग्ज़ाम पर पड़ेगा और प्रभाव पड़ेगा तो आपकी जल्द से जल्द जो है रिटर्न एग्ज़ाम की डेट और एडमिट कार्ड भी आएंगी। तो ये अपडेट उन अभ्यर्थियों तक ज़रूर शेयर करना है कि 22 तारीख को इस बार हमें अपने एग्ज़ाम डेट के लिए अगर एक कैंडिडेट भी रीट्वीट 5 बार करता है तो ट्रेंडिंग को टॉपिक जाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और 22 तारीख को यहाँ पर CISF के जितने भी कैंडिडेट हैं वो मिल के एक बार ट्विटर कैंपिंग में ज़रूर शामिल होए, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी रिटर्न एग्ज़ाम डेट को यहाँ पर जारी करेगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको 22 तारीख को क्या ट्वीट करना है वो अपडेट मिल जाएगी, यानी कि 21 तारीख को वो अपडेट आप सबको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि CISF की हर अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल studyzone/SZ से जरूर जुटिएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन हो टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।